नमस्कार भैया हरो, 6 तारीख को मतदान है खजुराहो में और खजुराहो की लोकसभा सीट बहुत हाई प्रोफाइल हो गई। हाई प्रोफाइल इसे हो गई काहे के खजुराहो सीट पे सीधे तौर पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिष्ठा इस पे दांव पे लगी है काहे के भारतीय जनता पार्टी के तमाम दावेदारों को किनारे करके इत्यस्य विष्णु दत्त शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाओ है खजुराहो लोकसभा सीट के लाने। कांग्रेस की तरफ से कविता सिंह मैदान में हैं। कविता सिंह है नाती राजा की पत्नी विक्रम सिंह नाती राजा, जो खजुराहो सीट से लंबे समय से विधायक हैं। कुल मिलाकर वे इलाके में चौथी बेर से विधायक हैं, एक बेर छतरपुर से और 3 बेर खजुराहो सीट से। तो सीधे तौर पर बड़ो नाम बड़ो चेहरा है कविता सिंह को भी, स्थानीय प्रत्याशी हैं। अब पूरी अगर इलाके पर नज़र डालें तो जो खजुराहो को लोकसभा को सीट की पूरा समीकरण है वो खजुराहो इलाका मतलब छतरपुर को आधो हिस्सा, पूरा पन्ना जिला और आधो कटनी जिला, जो पूरा मिला के खजुराहो की लोकसभा की सीट बनत। और यही वजह से ई लोकसभा में इतनी विविधता है कि अच्छे राजनीति के गणित ई वे चुनाव को परिणाम नहीं बता पा रहे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जब बहुत पुरानी सीट है, बहुत मजबूत सीट मानी जात, लेकिन ई वे कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जी वजह से इतने कांटे की टक्कर देखने को मिल रही। बड़ी परिस्थिति यह है कि स्थानीय बनाम बाहरी को मुद्दा लंबे समय से इतने हावी रहो। और चूंकि पिछली बार के जो सांसद थे नागेंद्र सिंह, वे 5 साल पूरे इलाके में दिखाने नहीं आ, और यही वजह से लोगों में अब जो नाराजगी थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोनू बाहरी को टिकट दे तो उसको स्वीकार नहीं करेजिए। लेकिन तमाम इन नाराजगियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से बाहरी प्रत्याशी पर दांव लगाओ। बाहरी प्रत्याशी हैं विष्णु दत्त शर्मा, जो लंबे समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता हैं। लेकिन कहूँ ना कहूँ सीधे तौर पर बाहरी को उन पर ठप्पा है, और जो ठप्पा अब तक कार्यकर्ता स्तर पर तो दबावे में भी कामयाब हो गए। शुरुआत में कई जगह उनके पुतला जो है जलवे की बात सामने आई थी, लेकिन अब आज की स्थिति में सबरे कार्यकर्ता ऊपरी तौर पर आपको एक नज़र आ रहे, भारतीय जनता पार्टी के लाने काम करत आ रहे। लेकिन एक इमें बड़ो बात जो, मतलब सवाल जो भी है कि विष्णुदत्त शर्मा की जो स्थानीय टीम है उनके अलावा बाहरी टीम बहुत ज़्यादा सक्रिय है पूरे क्षेत्र में। विष्णुदत्त शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, तो तमाम सारे युवा जो है कार्यकर्ता उनके लाने पूरे प्रदेश भर से पहुँचे हैं, एक एक बूथ तक पहुँच रहे, एक एक इलाके तक पहुँच रहे बाहरी लोग। अब ये बाहरी कार्यकर्ता स्थानीय लोगों पर कितना प्रभाव डाल पे जो एक बड़ो सवाल है। दूसरी तरफ कविता सिंह जो है वे स्थानीय होवे के चलते और लोकल जो भी फैक्टर हैं उन सब को उठा के अपने लाने वोट मांग रही। और कविता सिंह के संगे पॉजिटिव पॉइंट जो है कि कविता सिंह जो है नाती राजा की पत्नी है जो खजुराहो के हैं, और इनको जो मायका है वो पन्ना जिला में है। इस वजह से दो बड़े बेल्ट उनको उम्मीद है कि उनको सहयोग करें। केवल जो तीसरा बेल्ट है कटनी को उतने भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भरोसे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो कटनी को बेल्ट है उतने भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, और कही जा रही कि कटनी इलाके की जो विधानसभाएं हैं उतने से भारतीय जनता पार्टी इतनी लीड ले आए कि वे पन्ना और खजुराहो बेल्ट से भी कवर नहीं हो पे। तो ई को लेके कहूँ ना कहूँ कसमकस की स्थिति है। दो हिस्सा में जो पूरा चुनाव नजर आ रहा हो, एक तरफ कटनी में एक तरफा स्थिति जो है भाजपा की तरफ बताई जा रही, दूसरी तरफ खजुराहो पन्ना से कांग्रेस को बेहतर करने की उम्मीद है। अब यही पूरे जो समीकरण है ऊ के बेस पे पूरे टिके हैं चुनाव के आखिर स्थानीय बनाम बाहरी को मुद्दा कैसे साबित हुई है। अब दूसरे फैक्टर हैं गुटबाजी के। गुटबाजी में खजुराहो में जैसे हमने आपको बताई कि भारतीय जनता पार्टी से बीडी शर्मा को टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के 70-80% नेता नाराज थे, लेकिन समय के हिसाब से धीरे धीरे वह नाराजगी दूर करने की कोशिश चल रही, और बड़ी हद तक जब नाराजगी दूर करने में कामयाबी भी मिली है बीडी शर्मा को। खासतौर से जब अमित शाह को दौरा भाव खजुराहो में ई के बाद अमित शाह ने सारे कार्यकर्ताओं को और जो खासतौर से वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको सीधे तौर पे हिदायत दी कि भैया काम करने पर बीडी शर्मा के समर्थन में। ई के बाद
जो पदाधिकारी स्तर के लोग हैं वे सक्रिय भय हैं। अब ऊपरी तौर पर दिख रहे हैं, भीतर से क्या स्थिति है या तो उनके मन की वही जानत, लेकिन कम से कम ऊपरी तौर पर दिख रहे। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़्यादा दावेदार हते नहीं खजुराहो सीट से, बहुत ज़्यादा लोग इच्छुक हते नहीं चुनाव लड़वे के, और यही वजह से नाती राजा को कम से कम ऊपरी तौर पे, नाती राजा की पत्नी जो है कविता सिंह, उनको बहुत ज़्यादा विरोध को सामना स्थानीय स्तर पर नहीं करने पड़ रहा। हालांकि इलाके में राजा पटेरिया टिकट मांग रहे थे, इनके अलावा मुकेश नायक भी दावेदार थे, कछु नाम हैं, लेकिन वे ऊपरी बहुत तेज़ी से ना टिकट मांग रहे थे और बहुत तेज़ी से उनने विरोध भी नहीं करी, और यही वजह से नाती राजा चूंकि उनको मंत्री नहीं बना पाए थे कमलनाथ और वे नाराज बताए जा रहे थे, यही वजह से नाती राजा जो है अपनी पत्नी को सांसद को टिकट दुआबे में कामयाब हो गए। तो कम से कम कार्यकर्ता स्तर पर जो है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ। लेकिन अब तीसरी बड़ी बात मुद्दों की बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि खजुराहो के स्थानीय लोग भी जब बात कह रहे कि नाती राजा लंबे समय से इलाके में विधायक हैं, इनने खजुराहो के लांजे का कर दो, जो एक बड़ो सवाल है कि खजुराहो इलाका जितने से नाती राजा को प्रचंड बहुमत की उम्मीद है, उतने भी स्थानीय लोग ई बात को लेकर नाराज हैं कि नाती राजा ने इस क्षेत्र के विकास के लाने को बहुत बड़ो काम नहीं करे, और ई वजह से खजुराहो बेल्ट से उनको बहुत बड़ी लीड मिले, ई पे भी संशय है। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि ई पूरे इलाके में कांग्रेस पार्टी के पास बहुत मजबूत संगठन की नहीं है, और पन्ना की जो है दो तीन में से केवल एक सीट पे जो है कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा संगठन की स्थिति नहीं लग रही। ई के बाद भी कहूँ ना कहूँ जो ई विधानसभा में चूंकि कांग्रेस को वोट लगातार बढ़े है, ई वजह से सारे गठजोड़ मिला के एक और बड़ो फैक्टर है महिला फैक्टर। सीधे तौर पर कविता सिंह बड़ी सौम्य महिला हैं और उनकी छवि बहुत अच्छी है, वर्तमान में वो नगर पालिका खजुराहो की वे अध्यक्ष हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी है इलाके में। इस वजह से उस छवि के आधार पे महिला होवे के नाते उनको उम्मीद है कि जो महिला वोटर है वो उनकी तरफ आकर्षित हुई हो, वो उनको वोट करे। तो कांग्रेस पार्टी को इन सारे समीकरण के दम पे उम्मीद है कि वे जीते। दूसरी तरफ अगर भाजपा की बात करें तो उतने सीधे तौर पर केवल एक चीज़ है, भाजपा को पुराना वोट बैंक और दूसरों मोदी फैक्टर, मोदी के नाम पे खजुराहो में, पन्ना में, कटनी में सब जगह वोट डर रहे सीधे तौर पे। तो जो सांसद नागेंद्र सिंह के प्रति जो नाराजगी थी, विष्णुदत्त शर्मा के बाहरी होवे के प्रति जो नाराजगी थी, इनको मोदी फैक्टर कवर करने की कोशिश में है। अब जो कितनों कवर कर पे जो चुनाव में पतो चले, लेकिन मोदी फैक्टर इकलो तो ऐसा फैक्टर है जो ये चुनाव में विष्णुदत्त शर्मा को जीत दिला सकत, और अगर खजुराहो से आज की परिस्थिति में विष्णुदत्त शर्मा चुनाव जीते हैं तो इनमें केवल और केवल सिंगल योगदान हुई है नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को, जिनके नाम पे जो पूरा चुनाव लड़े जा रहा हो। बाकी कटनी बेल्ट में संजय पाठक बहुत महत्वपूर्ण किरदार हैं जो है, और विजय रावगढ़ से विधायक हैं, वे पूरी तरीके से फिलहाल संगे नजर आ रहे हैं विष्णुदत्त शर्मा के। तो अगर वे कटनी इलाके से जितनी बड़ी लीड उन्हें चुनाव में मिला, उतनी बड़ी लीड अगर विष्णुदत्त शर्मा को भी दुआ दें तो कहूँ ना कहूँ विष्णुदत्त शर्मा की राह आसान हो जाए। तो कुल मिला के इलाके में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, उतने बहुत बुरे हाल है, पर्यटक अब उतने पहुँच नहीं रहे। इसके अलावा इलाके में पानी को संकट है, नए 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 रोजगारों को संकट है, तमाम ऐसे मुद्दा हैं जिन पर पिछले 5 साल की कोई बात अगर करें तो बेमानी है। कहा कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद नागेंद्र सिंह खजुराहो के पूरे इलाके से गायब रहे, पूरी तरीके से असफल साबित भए, और यही वजह से उनके प्रति जो नाराजगी है, अगर वह बी डी शर्मा के प्रति वोट में कन्वर्ट हो गई, बी डी शर्मा के एंटी, तो फिर बी डी शर्मा मोदी फैक्टर के बावजूद भी चुनाव हार जाएं। लेकिन अगर ऊक नाराजगी को कहूँ ना कहूँ दूर करने में कामयाब रहे भारतीय जनता पार्टी तो वो चुनाव जीत सकत, लेकिन फिलहाल खजुराहो में कांटे की टक्कर नजर आ रही। स्थानीय प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी, अच्छी छवि की प्रत्याशी कविता सिंह को मुकाबला है बीडी शर्मा से, जो मोदी फैक्टर के भरोसे और युवाओं की टीम के भरोसे चुनाव के मैदान में है। 6 तारीख को बुंदेली बौछार की अपील है कि सब जने वोट जरूर डालियो, और जीखो मनाए ऊखो वोट डालियो, लेकिन वोट जरूर डालियो, आपको वोट आपको अधिकार है, सब लोग मिलकर वोट डालियो और तय करियो को आपकी खजुराहो से पसंद है।
एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागर श्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागर श्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज। सागर श्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बोछा जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, इसके बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बोछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।